आप सभी लोगों का वेलकम एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई जानकारी लेके आपके साथ हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे केचुआ खाद पे। तो आप देख सकते हैं, ये है केचुआ खाद, जो कि आपको कहीं पे भी मिल जाएगी बहुत इजीली। और ये है नीम खली। आज इन दोनों खादों के बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास केचुआ खाद, और ये आपको किसी भी नर्सरी पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी, या बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जहाँ खाद तैयार की जाती है, तो वहाँ ये मिल जाएगी। अब इसके बारे में आपको और भी जानकारी देते हैं, तो बता दें, ये जो खाद होती है, ये केचुआ जो हरी सब्जियाँ होते हैं, जो मटेरियल बच जाता है, उससे तैयार की जाती हैं। और ये एकदम ऑर्गेनिक है, यानी जहर मुक्त भारत, यानी कि किसी भी तरह का इस खाद में केमिकल यूज नहीं किया गया, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ख़राब होता है, और हमारी मिट्टी भी एक टाइम बाद ख़राब हो जाती है, और सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। और ये खाद आप अपने घर में जो भी आपने इंडोर प्लांट लगा रखे हों उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर आपने सब्जियाँ लगा रखी हों या फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हों किसी भी तरह का, तो उसमें आप इस खाद को यूज कर सकते हैं। और ये खाद जो है कि आपको बस डालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी में इसको हमें देनी है और कब कब देनी है। अब इसको साइड करते हैं, और ये है नीम खली, यानी कि नीम कवच, और ये नीम कवच के संग फल फूल और भी उमंग, यानी कि ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ये भी एकदम 100% ऑर्गेनिक है, यानी कि कोई भी केमिकल नहीं है, बस नीम की खली का जो तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसी को ही छोटे बारीक में करके और इसको पैकेट में भर दिया जाता है। अब इसकी प्राइस जो 100 रुपये है, पर 100 रुपये का नहीं है, ये आपको 30 रुपये 1 kg मिल जाएगा। अब आप कहाँ से लेना चाहेंगे, तो पहले देखिए, ये NPK है 412, यानी कि नाइट्रोजन 4 है, और इसको आप किसी भी नर्सरी से बाय कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है, तो मैं आपको इसकी शॉप जो है, यानी कि जहाँ पे ये मिल जाएगा आइटम, वहाँ ला दूँगा। और इधर देखिए, ये फिर नीम कवच, यानी कि इसी कंपनी का, जो कि नीम ऑयल है, यानी नीम ऑयल निकालने के बाद जो खली बचती वो ये है, और ये नीम ऑयल है। तो ये भी हमारे प्लांट के ऊपर जो रहता है, पत्तों पे कीट लग जाते हैं, ये उसके लिए बहुत बढ़िया है। और ये भी देखिए, इस पे भी लिखा है 100% ऑर्गेनिक, यानी कि किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, बस ये एकदम नेचुरली ऑयल है, जो नीम की फली से तैयार किया गया है। और इसको भी हम स्प्रे करेंगे, किसी और वीडियो में दिखाएंगे, अभी हम बात करेंगे खाद के ऊपर। तो बता दें कि हमारी जड़ों में अक्सर कीट लग जाते हैं, तो अभी मैं इसको कट करके दिखाता हूँ कि किस तरह की ये होती है। तो हमारी जड़ों में जब कीट लग जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता है, ऊपर से प्लांट के पत्ते येल्लो होके और पूरा प्लांट सूख जाता है, और हमें पता नहीं चलता कि क्या कारण है, बस वो उसकी जो जड़ें होती हैं वो कीट खा लेते हैं और हमारा प्लांट मर जाता है, और हमें पता ही नहीं लग पाता कि किस कारण मरा है। तो ये जब हम खली ये जब उसके जड़ों में डालेंगे ना, ये इसमें बहुत कड़वाहट होती है, इसको अगर आप पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद इसका पानी बहुत ही कड़वा हो जाता है। और इसको जब हम अपने प्लांट में दे देते हैं ना, ये देख सकते हैं, अभी मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए ठीक है, और इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, इन्होंने देखिए पत्ते खा रखे हैं। तो ये जो कीड़े मिट्टी में रहते हैं, वो रात होते ही बाहर आते हैं, और पत्ते जो उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो वो इनको काटना शुरू कर देते हैं, पत्तों को खा लेते हैं, जिसे कटर पिलर भी कहते हैं। इस तरह के कीड़े मिट्टी में रहते हैं, तो ये जो चीज़ है ये उनको भगाएगी, ये बता दूं कि ये उनको मारेगी नहीं। आप सोच रहे हो कि इससे मर जाएंगे, क्योंकि ये किसी तरह का केमिकल नहीं है, ये बस एक कड़वाहट उनको देगी, जिस कारण से वो मिट्टी को जो सॉइल होती है उसे छोड़ के भाग जाएंगे, और अगर आपने आसपास कोई और गमला रखा होगा तो वो उसमें चले जाएंगे और इस गमले से निकल जाएंगे। और अगर आपने सारे गमले में इसको यूज करते हैं ना, तो वो फिर आपके गार्डन से ही दूर चले जाएंगे। अब ये देखिए, अब मैं आपको बर्मी कंपोस्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए बर्मी कंपोस्ट, अब इसकी पहचान क्या है कि ओरिजिनल आप ला रहे हैं कि लोकल ला रहे हैं।
तो ओरिजिनल की पहचान ये है कि ये एकदम चाय पत्ती की तरह आपको दिखेगी भुरभुरी। देखिए बहुत ही हल्की होती है, भुरभुरी होती है, जैसे हम गीली चाय पत्ती होती है ना उसी तरह से लगती है। और ये पूरी केचुए की एक तरह से पोटी है, यानी कि केचुए जो हरी सब्जी पत्ते खा खा के गोबर जो गाय का होता है तो उसके बाद जो मटेरियल करते हैं उससे ही इसे तैयार होती है, उसी को बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा इस जानकारी के लिए और हमारी बेल धीरे धीरे इस पर, ये जो हमने दिया फीडिंग ये इस पर आएगी और इस पर अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होएगी। तो इस वीडियो में मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तो वीडियो जो है आप लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए इसमें अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं। ये खाद डालने के बाद एक वीक में असर दिखने लगेगा। अभी तो मैंने इसमें खाद डाली है और एक हफ्ते बाद इसमें रिजल्ट दिखेगा। अगर आप किसी भी पौधे में एक बार डालते हैं ना तो फिर ये देखिए काफ़ी ग्रोथ होएगी आपके प्लांट की, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। आपको कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसे डाल दिया ना तो कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो को मैंने पूरा करने के लिए पार्ट जोड़ा है। तो अब हमारे खाद को डाले हुए पूरे एक महीना हो गया, यानी कि 35 दिन के लगभग हो गए हैं। और इस पे रिजल्ट जो देखिए वो आप देख के चौंक जाएंगे। ये देखिए इस पे, देखिए मैंने इस पे यूज की है ये खाद, देख सकते हैं कितने फ्रूट इस पे लगे हुए हैं। देख सकते हैं एक बैंगन के पेड़ पे कम से कम 5 किलो बैंगन लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और इतने ही एकदम बहुत ही सुंदर बैंगन आए हुए हैं, ये वाइट बैंगन है। तो इसका जो रिजल्ट है ना वाकई में जो हमने सुना था उससे कई गुना ज़्यादा है। और देख सकते हैं, देख सकते काफ़ी जो हमारा प्लांट है वो पूरी तरह से फ्रूटिंग से भरा हुआ है। ये देख सकते हैं वहाँ पे भी देखिए आपको दिख रहा है। तो एक प्लांट में 5 किलो यानी कि आपको 15 से 20 किलो बैंगन आपको मिल जाएंगे अगर आपने 3-4 प्लांट लगा रखे होंगे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। तो आप जब भी ये खाद यूज करें तो पूरा इसको एक कम्बो बना के यूज करें, यानी कि नीम खली फिर प्लस में आप बोन मील भी ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये जितनी खाद एक ही आपको दुकान से मिल जाएगी, हम आपको वहाँ का एड्रेस भी बताएंगे, पर आप हमें कमेंट करेंगे जब भी हम वीडियो बनाएंगे इस पर। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, पत्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। और भी आपको दिखा देते हैं। तो इधर देखिए ये मैंने 8 इंच का गमला है इसमें लगा रखा है। और जो आपको ये पत्ते दिख रहे हैं ना, ये जो पत्ते हैं ये नेचुरली हैं, यानी कि पुराने पत्ते गिर जाते हैं एक टाइम के बाद। पर इस पर फ्रूटिंग देखिए और फ्लावरिंग देखिए, देखिए ये बेबी जो है जो इस पर फ्लावरिंग के बाद फ्रूट बन गया है। और ये देखिए ये है फ्लावरिंग, अभी ये कुछ दिनों बाद बैंगन यानी कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। देख सकते हैं ये है फ्लावरिंग और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। और 8 इंच के गमले में है, आपको बता दें एक प्लांट से आप 5 किलो तक वेजिटेबल्स यानी फ्रूट ले सकते हैं। और ये किसी भी तरह के आप प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए ये पत्ते इसके जो हैं जो पहले के हैं, यानी कि नए पत्ते जो आएंगे ना वो आपको बिल्कुल ग्रीन और एकदम साफ पत्ते दिखेंगे, किसी भी तरह की बीमारी नहीं रहेगी। पर जो नीचे होते हैं उनमें धूप कम लगती है। और ये देखिए फ्रूट कितने अच्छे साइज का फ्रूट है। और ये हम मैंने बाल्टी में लगा रखा, 10 इंच की बाल्टी है। और ये देखिए ये जो पुराने पत्ते होते हैं अपने आप ही गिर जाते हैं, तो इनको हटा दें नहीं तो और भी पत्ते हमारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फंगस पकड़ लेती है पत्ते में और प्लांट भी कभी कभार ख़राब हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की खादों के लिए भी हमारे से कमेंट करें। और जानकारी अधिक लेने के लिए आप हमें जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। इसी तरह की हम वीडियो आपके लिए और भी लाते रहेंगे। और ये देखिए रिजल्ट, हमने इसमें जो कि बोन मील और नीम खली डाली थी उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए फ्रूट इस पर।
तो काफ़ी अच्छे साइज का ये जो तोरई लगी हुई है, और इस समय अभी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो ही रही है। और देखिए ऐसे अगर आप केमिकल वाली चीज़ें नहीं यूज करते हैं तो ऐसे बटरफ्लाई और भंवरे, आपके तितलियाँ, इस तरह के चीज़ें आती रहती हैं। इसलिए केमिकल वाली चीज़ें ना यूज करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें। फिर मिलते हैं आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।